हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, लेक्सिकन फॉर एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की इस लेटेस्ट 23-24 की सीरीज में आपका स्वागत। मैं प्रसन्ना आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसके चैप्टर 5, जिसका नाम है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, उसका पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपराइटनेस के टॉपिक से। क्या है अपराइटनेस, पहले समझिए। देखिए, अपराइटनेस एक ऐसी क्वालिटी हो गई जो हम कहेंगे एक सच्चाई की, ऑनेस्ट होना। साथ में व्यक्ति जब रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी चीज़ में लेके, और उसके अलावा एक अच्छे कार्यों की तरफ अच्छाई से चलता है, एक मॉरल होता है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एथिक्स, तो इन सब चीज़ों से मिलके बनता है अपराइटनेस। ठीक है, तो ऑब्वियसली हो गया कि अपने सच्चे पाथ पे चलने लगेगा वो अच्छे से, हाँ सही पाथ पे चलेगा। अब हर एक इंसान अपने जीवन की जर्नी के टाइम, है ना, अपनी सोशल लाइफ जो वो जिसमें वो रहता है, उसमें चाहता है कि सब लोग उसको पसंद करें, उसे उसके आसपास के लोग उसका सम्मान करें, उसके साथ रहें और बढ़िया से उसको बहुत माने। ये इम्पोर्टेंट है, आप भी सोचते होंगे। तो अगर आपको खुश रहना है इस सोशल लाइफ में, समाज में, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि हर चीज़ समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, हाँ, तो अगर समाज में खुश रहना है तो हर इंसान को इस बात को जानना होगा कि बिना उसके सोशल स्टैंडिंग तो अफेक्ट होगी होगी आपकी, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मॉरली अपराइट रहना हमें मदद करता है इस फील्ड के अंदर। अगर हम अच्छे व्यक्ति हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो सभी हमें पसंद करेंगे। तो मॉरल अपराइटनेस ये क्या है, ये जब आप कहते हो ये पर्सनालिटी से रिलेटेड होती है, बिहेवियर से होती है किसी व्यक्ति के, या फिर सिविल सर्वेंट के भी। मॉरली अपराइट लोग जो होते हैं वो सोशली जो है कम रेजिस्टेंस होते हैं, इनको पसंद किया जाता है, ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन पे विश्वास लोग करते हैं, सोसाइटी इन पे और विश्वास करती है। ठीक है, अब देखिए, साथ में जब लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, तो उनको समझ आता है ना, दे वर टॉट, चाहे शब्दों के माध्यम से भी और एक्शंस के माध्यम से भी, कि आपको इस तरह से बिहेव करना है या कुछ मॉरल कोड्स को फॉलो करना है। और ज़्यादातर लोग जो है इन सारे रूल्स में इन सबको अपने अंदर जो है बसा लेते हैं, लेकिन कर्मों में उनकी झलक नहीं दिखती। रूल्स तो उनको पता है कि कैसे क्या रहेंगे, लेकिन एक्शंस में वो एक्शन नहीं कर पाते। ठीक है, बट इन टू हाउ दे व्यू द वर्ल्ड एंड हाउ दे व्यू देमसेल्व्स, ये चीज़ देखने को मिलती है। अब देखिए, जब एक इंसान अपनी मोरालिटी के अगेंस्ट जाता है ना, दैट कलर्स देयर वर्ल्ड एंड पर्सनैलिटी, तो इससे बहुत दिक्कत, मतलब आपकी, अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी कहती है कि भाई आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक बढ़िया इंसान हैं, अगर आप कुछ गलत काम अगर करते हैं तो आपके दिल दिमाग पे भी इसका बहुत असर पड़ता है, और खुद से भी आप नफरत करने लगते हैं। तो ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि भैया मुझे मानसिक कोई तरह का दर्द नहीं चाहिए, तो इसलिए अच्छा काम करना चाहते हैं। इसलिए मॉरली अपराइट इंडिविजुअल हमेशा अपने एथिकल कैरेक्टर में भी बढ़िया रहता है, और इसके अलावा अपने बिहेवियर में भी बहुत अच्छा रहता है। अब एक बात आती है विजडम की, विजडम आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे ही आपको बता दूँ विजडम के बारे में। देखिए, विजडम जो है ना, विजडम होता क्या है पहले आप ये समझिए। विजडम एबिलिटी होती है सोचने की, कार्य को करने की, अपनी नॉलेज का, अपने एक्सपीरियंस का, अंडरस्टैंडिंग का, कॉमन सेंस का और इनसाइट का उपयोग करके। ये सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि सिर्फ इतना सा जानना कि एक्चुअली में फंडामेंटल ट्रुथ क्या है जो कि अनकनेक्टेड है विद द गाइडेंस ऑफ लाइफ, या उसका पर्सपेक्टिव क्या है, इसकी मीनिंग का, सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। ये नॉलेज है कि किस तरीके से अच्छे से जिए, उसके अलावा अच्छे से कार्य करें, सही तरीके से कार्य करें उस नॉलेज को लेके।
तो अब विजडम की अगर हम बात करें तो विजडम के अंदर अच्छे इंटेंशंस आते हैं, गुड इंटेंशंस आते हैं। विजडम का यूज़ करा जाता है एक व्यक्ति जब खुद के साथ और दूसरों के साथ एक अच्छा इंटेंशन, एक अच्छी सोच को रखता है। जब आप अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करते हो, क्रिएटिविटी का उपयोग करते हो, नॉलेज का उपयोग करते हो, किस लिए? ताकि आप खुद के रिश्ते तो अच्छे करो ही करो, साथ में समाज का भी भला करो, आपसी रिश्ते अच्छा करो, एक्स्ट्रा पर्सनल रिश्ता जैसे इंस्टीट्यूशनल या और किसी लार्जर ग्रुप से होता है उससे अच्छा रखो, लंबे वक्त तक या शॉर्ट टर्म के लिए भी। कैसे? अपनी अच्छी वैल्यूज़ के माध्यम से, एक सेलेक्टिव इन्वायरमेंट में आप खुद को अडेप्ट करवा के माध्यम से और अच्छा अच्छा सोच के माध्यम से। तो क्रिएटिविटी जब हम बताते हैं तो ये एक चीज़ हो गई कि ये फॉर्म करती है वन ऑफ द असेंशियल फीचर्स जब हम विजडम की बात करें, और उसमें अगर क्रिएटिविटी की बात करें, हाँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि विजडम सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं है कि आपने सोचा कोई चीज़ याद रखी, बल्कि आपको कुछ फेमिलियर कॉन्सेप्ट्स को वहाँ लागू करना है, कुछ प्रिंसिपल्स भी नई प्रॉब्लम्स को लेके भी लागू करना है, बल्कि इसके अंदर आपको एक क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी कि नए नए कॉन्सेप्ट को आप डेवलप करिए, नए प्रिंसिपल को लाइए, नई स्ट्रैटेजी को लाइए जिससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। विजडम एक जनरल मेंटल कैपेसिटी है जिसमें आप अपनी इंटेलिजेंस को अपनी मोरालिटी के साथ जोड़ते हो और अपने एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के माध्यम से इस कार्य को करते हो। अंतरात्मा आपकी कंसाइंस आपको गाइड करती है, प्रॉपर मोटिवेट करती है, और ऐसे व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस का पूरा उपयोग करते हैं रिकॉग्नाइज करने में, समझने में अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो, और उसका सलूशन निकालने में। ये सारी इनोवेटिव एफिशिएंटली काम करते हैं और सभी समाज का भला करते हैं। आइए अब थोड़ा समझते हैं और चीज़ों को कि विजडम को क्या क्या चीज़ें मिलकर बनाती हैं, तो कौन से मॉरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं विजडम के। देखिए, जब हम बात करें मॉरल कॉन्स्टिट्यूएंट के विजडम के, तो इसमें तीन का नाम हम लेते हैं। सबसे पहला तो हैविंग अ गुड विल, आपकी जो इच्छा है वो अच्छी सच्ची और बढ़िया होनी चाहिए कि हमें समाज का कॉमन गुड सबका करना है, सबका भला करना है। दूसरा कि एक्टिंग मॉरली, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसका मतलब आप इस तरह से काम करो, ठीक है, एक वाइज पर्सन जैसे काम करता है तो वो मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ जुड़ के ही काम करता है। और तीसरी बात कि एक अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, एक वाइस एक्ट वही हुआ जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो ये हों कि जिससे कॉमन गुड प्रमोट हो। तो जो ज़्यादातर एलिमेंट्स गुडनेस के होते हैं ना कार्य करने में, इसके अंदर जितना अच्छे तरीके से अच्छाई से कार्य करोगे उतना वाइस आप होगे, है ना। कोई गुडनेस नहीं होगी जहाँ पे तो वहाँ पे विजडम भी नहीं होगा। तो एक बात आती है कि मैम कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें अडॉप्ट करा गया है बाय विजडम। देखिए, कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें जो अडॉप्ट करे गए हैं बाय विजडम, तो उसमें कुछ चीज़ों को समझिएगा। जैसे कि सबसे पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस। अब ये क्या है? देखिए, ये प्रिंसिपल आपको कॉन्फ्यूशियन कॉन्सेप्ट ऑफ बेनिवेलेंस में मिलेगा। एक टाओइस्ट कॉन्सेप्ट है काइंडलीनेस का, एक मोहिस्ट नोशन है यूनिवर्सल लव का, और नोशन है चैरिटी ऑफ बुद्धिज्म का, वेस्टर्न कल्चर का। तो इसका मेन कोर आइडिया ये है कि हमें आपसी प्रेम, म्यूचुअल लव लोगों के बीच में बढ़ाना है। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ बेनिवेलेंस, है ना, प्यार भाईचारा बढ़ाना। दूसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। ये क्या है? देखिए, ये प्रिंसिपल आपको कांत के नोशन ऑफ जस्टिस में मिलता है, जो कहते हैं कि भाई एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी को, डिग्निटी को रिस्पेक्ट करे और दूसरों को एंड के तौर पर ट्रीट करे, ना कि मींस के तौर पे, है ना। इसका मतलब समझते हैं कि मतलब किसी और का उपयोग इस किसी और चीज़ को पाने के लिए नहीं करना है भैया, उसको खुद में ही एक एंड के तौर पे यूज़ करो, मतलब भी उसके साथ जो है ट्रीट करो। और तीसरा है यहाँ पे यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल। हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं, अब आप समझ भी गए होंगे। ये प्रिंसिपल निकल के आता है जॉन स्टुअर्ट मिल के प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट यूटिलिटी से। ये दिखाता है किसी कार्य की
गुडनेस को, अच्छाई को, विद इट्स कैपेसिटी ऑफ प्रमोटिंग द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर, या इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग द पेन टू अ मिनिमम। मतलब कोई काम अगर अच्छा तभी है, गुड तभी है, जब इससे बहुत सारे समाज में खुशियाँ हों, है ना, भारी मात्रा में, या कुछ दर्द बहुत कम हो जाए। और भी प्रिंसिपल्स इस एक्ट के अंदर हैं, और वाइस, जितने ज़्यादा ये सारे प्रिंसिपल्स देखेंगे एक्ट में आपके कार्यों में, उतना ज़्यादा वाइस आप एक्ट करेंगे। अब नेक्स्ट बात आती है जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। अभी तो यहाँ पे तो इम्पार्शियलिटी वगैरह ही दिखा रहा है, चलिए आप सुनते चाहिए मेरी बातों को। ओके, अभी तो इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं, कॉम्पिटेंसी शायद नहीं है, ठीक है। कॉम्पिटेंसी, COMPETENCY, क्या होता है कॉम्पिटेंसी पहले समझिए। कॉम्पिटेंसी आप डिफाइन कर सकते हो कोई ऐसी नॉलेज, स्किल, ट्रेट, मोटिव, या कह लो एटीट्यूड, वैल्यू, या दूसरा कोई भी आप जैसे कहते हो कि पर्सनल कैरेक्टर, जो काफ़ी ज़रूरी होता है किसी जॉब को परफॉर्म करने में, या डिफ्रेंशिएट करता है किसी टिपिकल को फ्रॉम सुपीरियर परफॉर्मर्स। तो कॉम्पिटेंसीज डिस्क्राइब करती हैं, क्या डिस्क्राइब करती हैं, व्हाट बिहेवियर इनेबल्स द अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसको समझ लीजिए कि हम ये नहीं पढ़ लें, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे समझ करिए कॉम्पिटेंसी। अब लेक्चर शुरू कर दिया है तो अब उसमें क्या एडिटिंग करने बैठ जाऊँ, देरी हो जाएगी। इसको हम तीन बॉक्स में समझते हैं। देखो भैया, पहला कहता है व्हाट यू डू, ठीक है, मतलब आप क्या करते हो, आपकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है कि हाउ यू डू इट, ठीक है, यही इसी बात को हम बोल रहे हैं कॉम्पिटेंसीज। एंड आखिरी में आता है कि व्हाट यू अचीव, दैट मींस आपके जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको हम इसके अंदर रखेंगे। तो जब कॉम्पोनेंट्स की बात करते हैं कॉम्पिटेंसीज की, तो एक आइसबर्ग मॉडल लेते हैं। आइसबर्ग कैसा होता है, ऊपर से तो छोटा लगता है लेकिन नीचे तो खूब होता है ना। तो इसमें हम ऊपर से देखते हैं स्किल, ठीक है, कि व्हाट यू नो, हाउ यू डू, और ऊपर आता है स्किल के साथ साथ नॉलेज कि आपको पता क्या है, है ना, व्हाट यू नो। लेकिन इस पानी के नीचे का जो आइसबर्ग का हिस्सा है, उसमें तो बहुत चीज़ें हैं, वैल्यूज़, सोशल रोल, कि भैया आप जो भी जो है सोचते हो वो इम्पॉर्टेंट है ना, आपकी सेल्फ इमेज आती है इसके अंदर कि आप खुद को कैसे देखते हो। ट्रेट आता है इसके अंदर कि जनरल डिस्पोजिशन क्या है बिहेव करने का एक सर्टेन तरीके से। और मोटिव कि भैया नॉन कॉन्शियस है कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्फ्लुएंस करती हैं आपके बिहेवियर को। तो जो रियल चीज़ें हैं ना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की, वो इस वाटर लाइन के नीचे आपकी हैं। तो अब आप कहेंगे मैम कॉम्पिटेंसी सही है, लेकिन हम तो सिविल सर्वेंट के रिलेशन में बात कर रहे हैं ना, तो सिविल सर्वेंट्स के रिलेशन में बताइए। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस कॉम्पिटेंसी के फ्रेमवर्क को फॉर सिविल सर्वेंट्स, इसमें सबसे पहले आता है इथॉस। क्या आता है इथॉस, ये क्या है, ये रिफर करता है एग्जिबिट करना सिटीजन सेंट्रिसिटी को, इंक्लूसिवनेस को, प्रमोट करना पब्लिक गुड को, और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नेशन के देख के चलना। इसके अंदर कौन सी कॉम्पिटेंसीज आएंगी कि पीपल फर्स्ट, सबसे पहले जनता को देखना है, कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, एक ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस करनी है, और अपने ऑर्गेनाइजेशनल के प्रति कमिटमेंट अपनी पूरी करनी है, दूसरों को लीड करना है। तो ये तो हो गया इथॉस। दूसरा हो गया एथिक्स। एथिक्स में क्या आएगा, ये रिफर करता है डिमॉन्स्ट्रेट करना इंटीग्रिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, ओपननेस और फेयरनेस को। इसमें कॉम्पिटेंसीज के अंदर, इसके अंदर इंटीग्रिटी आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। तीसरे नंबर पे आता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब हर एक नागरिक को एक समान ट्रीट करना है, जस्टिस सबको देनी है, और एम्पैथी उस गरीब तबका, वीकर सेक्शन के प्रति रखनी है। इसके अंदर जो कॉम्पिटेंसीज आती हैं वो है कि कंसल्टेशन, कॉन्शियस बिल्डिंग, डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी और डेलीगेशन। और लास्ट में जो आता है वो आता है
एफिशिएंसी। अब इसमें क्या है, ये रिफर करता है प्रमोट करना ऑपरेशनल एक्सेलेंस को, वैल्यू को, मनी को लेके, मैनेज करना ह्यूमन कैपिटल को और कैपेबिलिटी को और बढ़ाना। इसके अंदर कुछ जो जो है चीज़ें आई वो आई रिजल्ट ओरिएंटेशन, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग, इसके अलावा टीम वर्किंग, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल, डेवलपिंग अदर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेटिव थिंकिंग, डिज़ायर फॉर नॉलेज और इनिशिएटिव लेना और ड्राइव करना। तो अच्छा, कुछ वक्त पहले आपने एक चीज़ बहुत सुनी होगी सिविल सर्वेंट्स के जो है वो को लेके, जिसे कहते हैं हम लोग मिशन कर्मयोगी। हैव यू हर्ड अबाउट इट? देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसे हम लोग NPCSCB कहते हैं, दैट इज़ मिशन कर्मयोगी, क्या है, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसको लॉन्च किया गया था, उद्देश्य ये था कि हम गवर्नेंस को बढ़ाएंगे सिविल सर्विसेज की कैपेसिटी को बढ़ा के, एक ऐसा बढ़िया सा सिटीजन सेंट्रिक सिविल सर्विस बनाएंगे विद डोमेन एंड टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंसीज में होंगी। और इसके अंदर ये था कि हम डेमोक्रेटाइज करेंगे लर्निंग को पूरे ही हर एक लेवल पे सिविल सर्विसेज की। इसके अंदर 6 पिलर्स को रखा गया था कर्मयोगी के अंदर। पहला था पॉलिसी फ्रेमवर्क, दूसरा था इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, तीसरा था कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, चौथा था डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, दिस इज इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म था, IGOT कर्मयोगी, पांचवा था इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, और छठा था मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन फ्रेमवर्क। तो ये तो था मिशन कर्मयोगी। अब बात आती है कि डिवोशन टू ड्यूटी को लेके ना, एक टॉपिक हमारा आता है डिवोशन टू ड्यूटी, या इसको ऐसे भी कह लीजिए कि डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। अच्छा भाई, अब ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, जो डेडिकेशन या डिवोशन है आपकी ड्यूटी को लेके, इसमें ये होता है कि आपको चाहे कोई फ़ायदा मिल रहा हो ना मिल रहा हो, लेकिन आपको अगर अपनी ड्यूटी के प्रति कोई कार्य करना है तो करना है आपको। आपको ध्यान रखना है विदाउट फोकसिंग ऑन रिजल्ट, इट इज़ डूइंग ड्यूटी, गिविंग अप द प्राइड ऑफ डूअरशिप एंड नेवर अटैचिंग टू इनएक्शन। अगर आप अपनी ड्यूटी के प्रति डिवोटेड हो तो सिविल सर्वेंट, ऐसा सिविल सर्वेंट एब्सोल्यूट होता है। डिवोशन अगर इसने मेंटेन करा है अपनी ड्यूटीज़ को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, तो बहुत बढ़िया है। एक बार अगर पॉलिसी या प्रोग्राम वो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया, तो ये सिविल सर्वेंट की ड्यूटी है कि उसे बहुत ही जल्दी तेज़ी में फेथफुली उसको लागू करे हर जगह पर। देखिए, सिविल सर्वेंट ये हो सकता है कि कमिटेड हो अपनी ड्यूटीज़ से, है ना, अपने अपना काम को करे अच्छे इन्वॉल्वमेंट के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, इसके अलावा जो है बढ़िया तरीके से। और स्वामी विवेकानंद ने भी ऑब्जर्व किया था कि एवरी ड्यूटी इज़ होली एंड डिवोशन टू ड्यूटी इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वर्शिप, कर्म ही पूजा है। रिस्पेक्ट हो टाइम के प्रति, पंक्चुअल व्यक्ति हो, अपने वादों को पूरा करे, और जो काम करे वो इम्पार्शल तरीके से करे, अपने अप मतलब के लिए नहीं करे, है ना, काम को कभी बर्डन ना माने, बस इसको एक अपॉर्चुनिटी माने कि हम सोसाइटी को सर्व कर रहे हैं, इससे हम कुछ सीख रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे आपको इसके बारे में बताया। अच्छा, फिर आती है बात यहाँ पे इम्पार्शियलिटी की। इम्पार्शियलिटी का टॉपिक क्या कहता है, इम्पार्शियल मतलब कि जब आप काम कर रहे होते हो किसी केस के फायदे को लेके, और या कह लो कि सर्विंग गवर्नमेंट्स के प्रति काम कर रहे हो ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, और जनरल पब्लिक को इक्वली वेल या देखना आना है और काम करना है, सेम स्पिरिट में काम करना है। मानो कि अब आप तो सिविल सर्वेंट हो, ये पार्टीज तो आती जाती रहेंगी, आपकी ड्यूटी तो रहेगी ना, और दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में आप यहाँ काम कर रहे हो, तो आपको किसी के प्रति यहाँ पे भेदभाव नहीं रखना है, आपको अपने कार्य को करना है, किसी के प्रति झुकना नहीं है। जब आप जनरल पब्लिक के बीच में भी काम कर रहे हो तो सबको एक समान इक्वली डील करो, इम्पार्शियल रहो, किसी के प्रति जो है वो पार्शियलिटी नहीं दिखाओगे। तो अगर सिविल सर्विस में इम्पार्शियलिटी चाहिए तो भैया देखो, आपको रिफ्रेन करना होगा फ्रॉम ओपिनियंस,
पोजीशंस या एक्शंस जिसकी वजह से आपको उन चीज़ों से दूर रहना होगा जिसकी वजह से आप भेदभाव करने पे बायसनेस करने पे मजबूर होते हो, है ना। अब देखिए जब हम सिविल सर्वेंट्स के लिए ऑप्शंस को एनालाइज करते हैं तो बेस्ट एविडेंस बेस्ड नॉलेज को निकालते हैं और जो है ये वो बेस होती है उनकी रिकमेंडेशन पे कि भाई कैसा आउटकम निकलेगा, इम्प्लीमेंट करना डिसीजंस को लॉफुली जो मिनिस्टर्स लेते हैं, इवन अगर ये जो डिसीजंस हों वो अलग भी हों एडवाइस से या रिकमेंडेशन से जो प्रोवाइड करे गए हैं। ए पॉलिटिकली इम्पार्शियल पब्लिक जो सर्विस है वो सरकार को सपोर्ट करती है जो भी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे इलेक्टोरेट चूज़ करता है। तो अब यहाँ पे समझिए कि हम बात करें अगर इम्पार्शियलिटी और एक शब्द आता है नॉन पार्टीशनशिप को लेके, है ना, इसको समझते हैं हम सिविल सर्विसेज में क्या है। देखिए सिविल सर्वेंट्स ये अपॉइंट करे जाते हैं मेरिट के बेसिस पे कि भैया फेयर और ओपन कंपटीशन होता है, यूपीएससी कराता है आप जानते हैं, है ना, उनके काम को लेके। तो सिविल सर्विस और उनके कोर वैल्यूज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और इम्पार्शियलिटी आते हैं जो हम आपको बता ही चुके हैं। तो इम्पार्शियलिटी में एक सिविल सर्वेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरह से निभाए जो कि फेयर हो, जस्ट हो, इक्विटेबल हो और रिफ्लेक्ट करे सिविल सर्विस की कमिटमेंट को इक्वली और डाइवर्सिटी के हिसाब से। ये इस तरीके से ना काम करे कि किसी का फायदा करे, भेदभाव करे किसी इंडिविजुअल या अपने इंटरेस्ट को लेके। दूसरी बात आती है यहाँ पे पॉलिटिकल पैट्रोनेज जो बहुत ज़रूरी है समझना। देखिए ये रिफ़र करता है जनरल टू कि आप बेनिफिट्स या प्रिविलेज दे रहे हो और बदले में पा रहे हो पॉलिटिकल सपोर्ट। हालांकि एक इंडिविजुअल पब्लिक सर्वेंट जो है वो हालांकि जो काम करता है वो काम तो करता है, उसमें कुछ मेरिट क्राइटेरिया की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिटिकल पैटर्नेज, लेकिन समझ लीजिए पॉलिटिकल पैटर्न जब हम बात करते हैं तो ये बेनिफिट्स वगैरह पा रहे हो और अवॉर्ड कर रहे हो बेनिफिट्स इन एक्सचेंज फॉर पब्लिक सपोर्ट, इन एक्सचेंज फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट, ये नहीं होना चाहिए। अब बेनिफिट और प्रिविलेजेस ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिया, है ना, कुछ ग्रांट में प्रेफरेंस दे दी, कंट्रीब्यूशन या अपॉइंटमेंट बोर्ड में, कमीशन में, है ना। हालांकि जो पॉलिटिकल पैटर्नेज है वो जनरली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होती है इसमें, हायरिंग में, प्रमोशन में पब्लिक सर्विस के, इसमें चक्कर में मत आना। फिर रही बात पार्टीसनशिप की, ये क्या होता है, ये ऐसा एक्ट होता है जिसमें आप एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, पार्टी को कर रहे हो, पर्सन को कर रहे हो, किसी वजह कॉज को कर रहे हो तो आप सपोर्ट कर रहे हो, है ना। तो पार्टीसनशिप ये रिफ़र करती है जनरल टू एक्शंस सपोर्ट करना या अपोज करना पॉलिटिकल पार्टीज़ को या बायसनेस को। हालांकि जो प्राइमरी दिक्कत कंसर्न ये है पब्लिक सर्विस के अंदर वो है पॉलिटिकल पार्टीसनशिप, लेकिन उसके अलावा और भी तरह की पार्टीसनशिप जो है वो हम भूलेंगे नहीं, जैसे इंटरेस्ट ग्रुप सपोर्ट करना, इंटरेस्ट ग्रुप को या कॉज को जो कि आपकी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से ना अटैच हो। तो अब कुल मिला के इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस इस इम्पार्शियलिटी की या आप कह लो कि नॉन पार्टीशनशिप की क्या है। देखिए इम्पार्शियल और नॉन पार्टीशन जो पब्लिक सर्विस है ना वो रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती है। कैसे, पहली चीज़ तो ऑब्जेक्टिव पूरे करेगी, एविडेंस बेस्ड एडवाइस देगी जिसमें मिनिस्टर्स पॉलिसीज इस्टेब्लिश, प्रोग्राम इस्टेब्लिश करेंगे आम जनता के लिए, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी मिनिस्टर्स को कि भैया तुमको अपनी अकाउंटेबिलिटी रोल को पूरा करना है पार्लियामेंट को लेके और पब्लिक को लेके। तीसरे नंबर पे सर्विसेज देगी अफेक्टिव तरीके से, उसके बाद रिसोर्सेज और प्रोग्राम्स को बढ़िया से मैनेज करेगी, उसके बाद ध्यान इस बात का रखेगी कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन हो जहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो रिजल्ट करे अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और लास्ट में इस बात को ध्यान रखेगी कि एक बार प्रोफेशनल एडवाइस दी जाएगी और यहाँ पे कॉम्पिटेंट और एबल एग्जीक्यूशन हो उन सारे डिसीजन का जो दिया गया है और जो लॉफुली बनाए गए हैं। तो ये कहानी यहाँ तक रहेगी। अब हम जो सिग्निफिकेंस वगैरह को हम समझ गए, ये तो मैंने देखा ही नहीं इसमें है सिग्निफिकेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी या नॉन पार्टनरशिप पार्टीशनशिप आ गया इसके अंदर। आई थिंक ये बहुत लंबा हो जाएगा, लास्ट पार्ट करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। नेक्स्ट वाले में हम बाकी का कर लेंगे जिसमें हम पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी से शुरू करेंगे। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा। इफ़ येस देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन फॉलो मी एवरीवेयर। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।